जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 25% की कमी कर दिया जाए। अब कोई गोला है जिसकी त्रिज्या में क्या कह रहा है, 25% की कमी कर दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है एरिया। एरिया में कमी हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। अब देखिए एरिया बराबर हमारा क्या होता है, पाई। गोला का दिया हुआ है ना, किसका दिया हुआ है, हाँ गोला का दिया हुआ था। गोला का क्या होता है, 4πr² होता है। अब देखिए कांस्टेंट का ना प्रतिशत में कोई माने नहीं रहता है, तो r² है। अब हमारा ये कांस्टेंट कट जाएगा, r² बचा, तो r × r लिख सकते हैं r². अब जैसे हमको परसेंटेज में कोई भी चीज़ दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में दो चीज़ हो गया, तो हम लोग सीधे क्या करें, प्रभाव सूत्र लगाएंगे। तो प्रभाव सूत्र क्या होता है, प्रभाव सूत्र बराबर होता है x + y + x × y/100 होता है। अब देखिए x का जगह पर -25 और -25, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +25 × 25/100 हो जाएगा। अब देखिए 25 × 100 हो जाएगा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब देखिए ये -50 हो जाएगा और +6.25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 43.75 इसका माइनस में आ रहा है इतना परसेंट। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल में इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेच दिया। अब ए जो है कोई वस्तु को क्या कह रहा है, 25% लाभ यानी 125/100 लाभ पर बी को बेच दिया, तथा बी ने इस वस्तु को 10% लाभ पर सी को बेच दिया। अब ये वस्तु बी जितने में खरीदा होगा, इस पर 10% लाभ पर सी को बेच दे रहा है, यानी 110/100 हो जाएगा। फिर आगे क्या करें, सी ने इसे 40% हानि पे डी को बेच दिया, यानी ये टोटल जितने में वस्तु खरीदा है इस पर 40% हानि यानी 60% पे क्या कर रहा है, डी को बेच देता है। फिर आगे क्या कर रहा है, डी ने इसे 46 रुपया 20 पैसे में खरीद लिया। डी ने इसे 46 रुपया 20 पैसे में क्या कर रहे हैं, खरीद लिया। अब ए का ये क्रय मूल्य हो जाएगा, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए 25 × 125 = 25, 25 × 100 हो जाएगा। और देखिए ये 00 से यहाँ 00 ला दिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और कुछ बच रहा है, और देखिए ये 2 से 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ये इतना हो जाएगा। अब इसको काटिए 11 से 11 = 44 आ जाएगा। 5 से काट दिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 28 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना, 28 × 56। तो हम कहें ए ने इसे 56 रुपये में क्या किया था, खरीदा था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए और बी का लाभ का अंतर बताइए, ए और बी का लाभ का अंतर बताइए। तो ए का लाभ बराबर सी बी का सीपी हो जाएगा। क्यों, ए का जितने लाभ में रख के बेचा होगा उतने में सी खरीदा होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि ए ने 125% लाभ पर बेच दिया, तो ए जितना लाभ पर बेचा होगा उतना सी का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए ये 56 हो जाएगा सी का क्रय मूल्य, और इस पर कितना, 25% लाभ पर यानी 125/100, 25 × 125 = 100, 4 × 4 = 16, 14 × 5 = 70। हम कहेंगे सी ने क्या किया था, खरीदा था 56 रुपये में बेचा 70 रुपये में, तो सॉरी ए ने क्या किया था, खरीदा था 56 रुपये में बेच रहा 70 रुपये में, तो ए को लाभ कितना हो गया, ए को लाभ हो गया, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये चार हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 14, 14 रुपये का लाभ हो गया। अब सी ने क्या किया, 70 रुपये में खरीद लिया। अब सी ने 70 रुपये में खरीदा, सॉरी बी ने 70 रुपये में खरीदा, और इस पर क्या करा ना कि 110 रुपये में, सॉरी 10% लाभ पर बेचा यानी 110/100 हो जाएगा। अब ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 11 × 7 = 77। तो हम कहेंगे बी ने क्या किया था, 70 रुपये में खरीदा था, 77 रुपये में बेच दिया, यानी बी को प्रॉफिट कितने का हो गया, बी का प्रॉफिट 7 रुपये का हो गया। अब देखिए ए का 14 रुपये का, बी का 7 रुपये का, दोनों का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 7 रुपये का हो जाएगा अंतर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, 53 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। शहर के 5 विद्यालयों के में अध्ययन करते छात्रों की संख्या दर्शाया गया है। अब कह रहा है शहर के 5 विद्यालय, शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर सी डी, ई, 5 शहर है, इसमें क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या दे दिया है और लड़का और लड़कियों के रेशियो दे दिया है। शहर ए में 680 लड़का है, जिसमें 9 रेशियो में लड़का है और 8 रेशियो में लड़कियाँ हैं,
यही हमसे दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये हमें देखना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए विद्यालय में लड़कों की संख्या और ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब ए विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ए विद्यालय में टोटल कितना है तो 680 है और टोटल इसमें रेशियो में कितना है तो 8, 9, 17, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा टोटल बराबर टोटल। अब हमसे कह रहा है कि लड़का की संख्या पूछ रहा है ना, तो लड़का का मतलब 9 रेशियो बराबर पूछ रहा है, तो 9 रेशियो बराबर निकाल लें 17, 24, 68, 40 हो जाएगा, 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9, 24, 36, 360 लड़का हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब ई विद्यालय में ना लड़की क्या कह रहे हैं, लड़की तो ई विद्यालय में टोटल कितना है 900, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 और ऐसे कितना हो जाएगा 25, टोटल रेशियो में हमारा कितना हो जाएगा 25, तो 25 देखिए 25 36 जाकर कितना होता है 900 हो जाता है, यानी 1 रेशियो बराबर हमारा हो गया 36। तो लड़की क्या पूछ रहा है यानी 12 रेशियो बराबर, तो 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 36 × 12 हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, इसका और इसका अनुपात यानी ए अनुपात ई हमसे पूछ रहा है, तो ए का अनुपात कितना है 360 और ई का अनुपात कितना है 36 × 12 दिया हुआ है। अब देखिए 12 × 36 हो जाएगा 30 हो जाएगा, अब देखिए 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 4 = 36, तो हम कहेंगे 5:6 ये इसका रेशियो निकल के आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जो पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी पे ये रिलेटेड है 59 पे। तो इसमें भी क्या कह रहा है, कितने विद्यालय में लड़कों लड़कियों की संख्या प्रति लड़कों की संख्या के औसत से अधिक है, कह रहा है कि विद्यालय में लड़कों की प्रति औसत संख्या से कितना अधिक है। तो हमको क्या कराना है, हमको टोटल ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है ना कि टोटल लड़कों का औसत निकाल लो और लड़कियाँ को देखो कितना लड़कियाँ अधिक है। तो अब देखिए औसत हमको पहले निकालना होगा, तो ए में लड़का और लड़की निकाल लेते हैं, ए में लड़का बॉय और गर्ल का निकाल लेते हैं। अब देखिए टोटल हमारा कितना हो जाएगा 17, 17 × 68 यानी 1 रेशियो बराबर 40, तो 9 × 36 यानी 300 क्या है 360 लड़का है, तो 8 × 32 320 क्या है लड़की है। इससे पहले मैं बता दिया था कि टोटल को रेशियो में जोड़ लीजिए, रेशियो में कितना हो जाएगा 17 और टोटल इतना दिया हुआ है, तो 17 × 680 यानी 1 रेशियो बराबर 40 हो जाएगा, 17 × 68 1 रेशियो बराबर 40, 9 × 36 8 × 32 इतना हो गया। अब देखिए बी में 5, 4, 9, 9, 8, 72 5, 4, 9, 9, 8, 72 1 रेशियो बराबर 80, तो 8 × 32 8 × 32 यानी 320 हो जाएगा लड़का और 8 × 5 = 40 400 कितना हो जाएगी लड़की हो जाएगी, ये बी में हो जाएगा। अब सी में देखिए 13 × 5 = 18, 18 × 36 = 18, 18 × 54 1 रेशियो बराबर 30, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15 = 150 हो जाएगा और 13 × 6 = 39 390 यानी लड़की कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, ये सी हो गया। अब देखिए डी में 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 220, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 440 440 और 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब देखिए 25 हो जाएगा 25 रेशियो बराबर कितना है 900, तो 1 रेशियो बराबर 36, तो 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 36 × 13 और 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 36 × 12 हो जाएगा, आए समझ में। अब देखिए ये हम लोग क्या निकाले थे, इधर लड़की है ये गर्ल है और इधर लड़कों की संख्या दिया हुआ है। अब तीनों का हमको क्या करिए ना कि इसका औसत निकालना है, तो पहले जुड़ा कर दिया 13 × 3 = 42, 5 × 5 = 6, 8 × 8 = 7, 13 × 3 = 36, 39 × 6 = 43, 39 × 7 कितना हो जाएगा 39 × 41 = 46 हो जाएगा यानी 468 निकल के आ जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए 8, 8, 8, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 2, 17, 17, 6, 23, 23 × 3 हो जाएगा 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17 इतना निकल के आएगा। टोटल कितना है टोटल, ये ई का दे दिया रेशियो, ई का रेशियो दे दिया है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 × 2 = 17 = 23 हो जाएगा, 5 × 6 = 20 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा और 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 3 × 5 = 30 हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा टोटल निकल के आ गया, औसत निकल गया 346.6 आ गया, ये लड़कों का औसत हमारा निकल के आ गया यानी मोटा मोटी इसको पकड़ेंगे 348। अब इसमें कह रहा है ना कि कौन कौन सा शहर में लड़कियां क्या है ना औसत लड़कों से अधिक है, तो देखिए 348 से ये बेसी है क्या कम है, तो ये हमारा गलत है, ये नहीं हमारा आंसर जाएगा। 348 से ये बेसी है यानी ये हमारा जा सकता है, 348 से 390 बेसी है यानी ये हमारा जा सकता है,
220 क्या है, 348 से बेसी है, नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसको का गुणा करिए 72 के दो हाथ में लगा 7 बार 3 36, 36 7 कितना हो जाएगा 36 40 3 43 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बेसी है, 12 तेई 36 बर्षा का 72 बर्षा का 72 के दो हाथ में लगा 7 12 तेई 36 36 7 43 हो जाएगा, 432 हो जाएगा। तो ये 300 से बेसी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसमें कितना संख्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संख्या हो जाएगा 1 2 3 तीन संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसमें चला जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा, क्योंकि तीन ऐसे शहर है जिसमें विद्यालयों की संख्या में लड़कियों की संख्या औसत में लड़कियों की संख्या क्या है, अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें, 73 में कह रहा है ना कि स्कूल बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या तथा स्कूल ए और डी में लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत कम है, ऐसे हमसे पूछ रहा है। तो पहले बी सी में लड़कियों को निकाल लेते हैं, बी प्लस सी में लड़की निकाल लेते हैं कितना है। तो बी प्लस सी में तो बी का देखिए 5 4 9 9 8 72 1 = 80 तो लड़कियाँ कितना हो जाएगा 8 5 40 यानी बी में 400 लड़की हो जाएगी। अब सी में देख लेते हैं 18 18 18 56 1 = 30 तो 13 39 तो कितना हो जाएगा 390 लड़कियाँ हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा 0 का 0 9 का 9 4 3 7 790 हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि स्कूल ए और डी में लड़कों की कुल संख्या, ए और डी में लड़कों की कुल संख्या, तो ए में देखिए 8 9 17 17 64 1 = 40 तो 9 6 36 360 कितना है 360 लड़के हो जाएंगे। और डी में 2 1 3 204 220 हो जाएगा 440 हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 440। अब जोड़ दिए 0 की 0 6 4 10 के 0 4 3 7 1 8 800 हो जाएगा। अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि लड़कों स्कूल बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्रम लिखा हुआ है मगर यहाँ पे होना चाहिए कम है। तब देखिए कम है, लड़कों से कंपेयर किया था कितना कम है 10 कम है, अपॉन कितना हो जाएगा लड़कों से कंपेयर करें 800 इंटू 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 कट जाएगा, देखिए 8 1 8 हो जाएगा 8 2 100 8 5 40 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 1.25 ऑप्शन सी चला जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल इतना इतना के अनुपात भुजाओं वाले त्रिकोणमितीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का इतना गुणा है। अब त्रिकोणमितीय पार्क का क्षेत्रफल कह रहा है, कोई त्रिकोणमितीय पार्क है, मान लीजिए ये पार्क हो गया, त्रिकोणमितीय का मतलब इसका कहने का मतलब इसकी तीनों भुजाएं, ये पार्क दिया हुआ है। अब इसका कारण है कोई दूसरा त्रिकोणमितीय है जिनकी भुजाएं हमको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखा है हालांकि यहाँ पे भुजा लिखना चाहिए, एक का 18 दिया हुआ है, दूसरे का 80 दिया हुआ है, तीसरे का 82 दिया हुआ है। कारण है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना इसका कितना गुना है, कारण है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, कहाँ गया क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाएं वाले, हाँ कह रहे कि भुजाएं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का 5√3 गुना है, इसका जो क्षेत्रफल है ना इसका √5 गुना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे 5√3 गुना कर देंगे। अब इसका एरिया कैसे निकालेगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, इसको फार्मूला से हम लोग काम करेंगे। तब इसको जोड़िए हीरो सूत्र हीरोइन फार्मूला इसको बोला जाता है, तो 18 + 80 + 82 जोड़िए गया तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, पहले जोड़ लीजिए 2 8 2 10 के 0 = 1 8 8 16 1 17 1 18 180 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हमारा आ गया 90, ये हो गया 90। अब देखिए एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट में होता है एस एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, एस के जगह पे क्या रखेंगे 90। अब देखिए 90 में से ए घटाइए यानी ए 18 घटाइए, तो 90 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90 में से 18 घटाइए तो ये हो जाएगा 2, आइए 2 हो जाएगा 7 72 हो जाएगा। फिर देखिए 90 में से 80 घटाइए तो कितना बच जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर 90 में से 82 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करिएगा, इसको 10 × 9 लिख सकते हैं 90 को, इसको 8 × 9 लिख सकते हैं,
9 इंटू 8 लिख सकते हैं, और ये 10, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए ये दो 10 मिलके बाहर एक 10 निकल जाएगा, ये दो 9 मिलके एक बाहर 9 निकलेगा, और ये दो 8 मिलके एक 8 बाहर निकल जाएगा। 8 9 72 यानी हो जाएगा 720। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तब कह रहे हैं ना कि ये पार्क का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये पार्क, पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिकोण मितीय क्षेत्रफल गुणा कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हमको 5√3 गुना दिया हुआ है, 5√3 गुना दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? क्षेत्रफल आ गया 720, तो 720 5√3 गुना हो जाएगा। अब देखिए पार्क, पार्क का त्रिकोण मितीय पार्क है, यानी जिसकी तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं किसकी होती है? तो समबाहु त्रिभुज की होती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ना कि त्रिकोणमितीय पार्क की पार्श्व क्या होगा, यानी एक भुजा क्या होगा, पार्श्व का मतलब एक भुजा क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ये रूट से रूट कट जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 720/20 हो जाएगा, है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 0 144 हो जाएगा। 144 इसके कितना का स्क्वायर होता है? ये 20 का, 120 का स्क्वायर होता है। इसका भुजा कितना हो जाएगा? 120, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 41 संख्याओं का औसत 63 दिया हुआ है। 41 संख्याओं का औसत हमको कितना दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है। तो योग निकालिए, 41 का योग बराबर कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 63 × 41। अब आगे देखिए कह रहा है कि पहले 21 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है 61.5, यानी पहले 21 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 61.5 दिया हुआ है। तो 21 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, योग बराबर कितना हो जाएगा? 61.5 × 21। आगे देखिए अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है कि अंतिम 21 संख्याओं का औसत, अंतिम 21 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है 65.5 दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना, हाँ 65.5 दिया हुआ है, ठीक। तब योग निकाल लीजिए, अंतिम 21 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 65.5 × 21 हो जाएगा, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है कि 21वां संख्या छोड़कर शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 1 से 1, 2, 3 डॉट डॉट करके 21 आएगा, बीच में डॉट डॉट करके 41 तक चला जाएगा। तो कह रहे हैं 21वां संख्या जो बीच वाली आएगा उसको हटा दीजिए, इसको हटा दिया, जो शेष संख्या बच रहा है ना उसका औसत निकाल के हमको बताइए, हमसे बोल रहा है। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करके योग निकाल लेंगे, ठीक। ये दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो टोटल हमारा 42 संख्या का योग निकल जाएगा, 41 संख्या ये, 41 संख्या ये, बीच वाली दो वाला जुट जा रहा है, तो यानी 42 संख्याओं का योग हमारा निकल जाएगा। 42 में से 41 का संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 21वां संख्या निकल जाएगा। 21वां संख्या निकल जाएगा कितना उसका है, तो 21वां संख्या का योग बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को पहले क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 61.5 × 21 और प्लस हो जाएगा 65.5 × 21 और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 63 × 41 कर देंगे ये माइनस, तो हमारा 21वां संख्या निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से ना 21 कॉमन ले लीजिए, 61.5 + 65.5 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 41 से, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 4 × 12 = 12, 6 × 18 = 8 = 1 और 6 × 24 = 25, इतना निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये क्या करिए, तो ये जोड़ जाएगा तो 5 × 5 = 10 5 × 6 = 7 हो जाएगा, 7 × 6 = 12 हो जाएगा और × 21 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 25 = 83। अब इतना निकालिएगा ना तो कुछ संख्या बन के आएगा, वही संख्या क्या करिएगा ना, इसमें से घटा दीजिएगा, घटाने के बाद हमारा 40 संख्याओं का योग निकल जाएगा। अब क्या करेंगे ना, जो संख्या आएगा ना उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये वाला संख्या घटा दीजिएगा, 8500 2583 में से ये वाला संख्या घटा दीजिएगा, घटाने के बाद हमारा 40 संख्याओं का योग निकल जाएगा, और जो योग आएगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा औसत निकल के आएगा, घर पे आप लोग कर लीजिएगा। मान ले कि एक से एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 12085 फिर आगे क्या दे रहा, 16914
फिर आगे क्या दे रहा है, 13,841 दे रहा है। कह रहा है कि विभाजित करने पर, यानी इन लोग को क्या करना है, विभाजित करने पर समान शेष बचता है। कह रहा है समान शेषफल बचता है, तो जो समान शेषफल बचता है तो x का योग पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो एक संख्या है उसका योग कितना होगा। अब देखिए ना, इससे भी x से डिवाइड करेंगे तो उतना ही शेष बच रहा है, इससे भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे x से तो उतना ही शेष बच रहा है, इसमें भी x से डिवाइड करेंगे तो उतना ही बनेगा शेष आ रहा है। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको इसमें से घटाइए, इसको इसमें से घटाइए, यहाँ पे एक संख्या आएगा, यहाँ पे एक संख्या आएगा, और इसको इसमें से घटाइए तो यहाँ पे एक संख्या आ जाएगा। और तीनों संख्याओं का क्या करिए ना, HCF निकाल लीजिए, ऐसे समझ में HCF निकालिएगा, और जो HCF आएगा ना उसी को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, घर पर कर लीजिएगा। ओके, होता क्या है ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो फिर दिक्कत होने लगता है, सब लोग बोलते हैं कि भैया इतना बड़ा वीडियो बना देते हैं। ओके, कर लीजिएगा घर पर, दिक्कत होगा ना, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है ना तो आप लोग क्या करें ना, कमेंट सेक्शन में बता दिया करेंगे भैया ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में है, तो हम फिर वीडियो बना के उसको अलग से हम डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय करता है, यदि गति 25% कम कर दे। मान लेते हैं कि पहले प्रारंभिक उसका गति मान लीजिए, प्रारंभिक गति कितना होगा, 100% हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि नया गति में क्या कर रहा है ना, 20% का कमी कर दे रहा है, यानी नया स्पीड 20% का कमी करेगा, यानी 80% के हिसाब से चलेगा। तो 20 25 100 20 24 80, हम क्या पहले 5 के स्पीड से चलता होगा तो बाद में 4 का स्पीड से चल रहा है। अब आगे देखिए कर रहा है, तो कह रहा है ना, तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे एक सही 1/4 घंटा समय लग जाता है, अधिक समय लग जाता है, 1/4 घंटा अधिक समय लग जाता है। अधिक का मतलब ये कंपेयर कर रहा है, ठीक। तो इसको मान लीजिए 5x और इसको मान लीजिए 4x, हम कहेंगे पहले प्रारंभिक में 5x गति था, अब हो गया 4x, और समय का कंपेयर कर रहा है तो कंपेयर बराबर कंपेयर कर दीजिए। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, 4 × 4 = 5 घंटा लिख सकते हैं। अब देखिए दूरी कितना है, दूरी हमको दे दिया है 250, तो 250 अपॉन 4x करेंगे और माइनस 250/5x करेंगे। अब दोनों के दे देंगे समय बराबर ये समय, दोनों को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, समय का अंतर निकल जाएगा। समय का अंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/4 घंटा दिया हुआ है। अब देखिए 5 से 5 से काट दीजिए, 50 हो जाएगा, ये हो गया 50, आए समझ में। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 दान में चला जाएगा। अब ये हो गया 50/4x माइनस 10/x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए LCM लीजिएगा तो 4x हो जाएगा, उधर जाएगा तो 40, तो 50 - 40/4 कितना हो जाएगा, 4x बराबर 1/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि उसकी शुरुआती गति कितनी थी। शुरुआती हम लोग कितना मान रहे हैं, 5x, तो यानी 5 × 10 कर देंगे, हमारा कहेंगे 50 km/h इसकी शुरुआती स्पीड थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 में क्या कह रहा है ना कि हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 26% लाभ पर एक घड़ी को बेच रहा है, तो खरीदेगा कितना में, खरीदा होगा 100 रुपया में, बेच रहा है 26% लाभ पर, यानी सेलिंग करता होगा 126 रुपया में, ठीक। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है, अगर 20% कम में खरीदा होगा, इसका 20% यानी 80 रुपया में खरीदा होगा, अगर 80 रुपया में खरीदता और कह रहे हैं कि 81 रुपया 60 पैसा कम में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस में हमको कंपेयर कर रहा है, 81 रुपया 60 पैसा कम में बेचता है, यानी हमसे कंपेयर कर रहा है सेलिंग प्राइस, तो कह रहा है उसे 32% का लाभ होता है, यानी इस पे क्या हो जाता है, 32% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए 32% इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25.6 हो जाएगा 32%। अब इसको जोड़िए तो ये 105.6 हो जाएगा, ऐसे समझ में। अब देखिए यहाँ पे से दोनों को घटाइए तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 करने तो ये 4 हो जाएगा और 5 × 1 = 6 में तो 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 204 = 81.60 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों में सेलिंग प्राइस में कंपेयर कर दिया, यहाँ पे कंपेयर पहले से दिया हुआ था, कंपेयर बराबर कंपेयर कर दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य, असली क्रय मूल्य, यानी 100 रुपया बराबर पूछ रहा है, तो हो जाएगा 81 रुपया 60 पैसा / 20.4 × 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे 1 decimal हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक। अब देखिए
चार से मल्टीप्लाई करिए तो ये चार दाल में हो जाएगा। अब चार से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 400। तो हम ये इसके घड़ी का असली क्रयमूल कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कह रहा है कि समूह में निश्चित संख्या का व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 केजी दिया हुआ है। अब कोई समूह है जिसमें निश्चित कोई व्यक्ति है, फिक्स व्यक्ति है, जिसका औसत हमको कितना दिया 75.5। तो मैंने मान लिया 75.5 हमारा निश्चित फिक्स वजन है। अब आगे हमसे क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है बाद में 72.6, फिर कह रहा है कि 74.4 और प्लस फिर कह रहा है 70 पॉइंट। इतने के चार व्यक्ति क्या कर रहे हैं, चले गए, ये समूह से चार व्यक्ति छोड़ के चले गए। तो जब चले जाते हैं कह रहे ना कि चार व्यक्ति समूह में शामिल हो गए। अच्छा, समूह में क्या कर रहा है ना कि चार व्यक्ति इतने इतने के जी का आके समूह में शामिल हो गए। तो परिणाम स्वरूप समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन में 500 ग्राम की कमी हो गई। पहले थे 75.5, अब 500 ग्राम का कमी हो गया, यानी 0.5 केजी का कमी हो गया। अब कमी हो गया तो घटाइएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा नया हमारा टोटल औसत हो जाएगा, नया औसत वो हो जाएगा औसत बराबर कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा पॉइंट, इसमें से 5 घटा दीजिए, 75.5 में 500 ग्राम कम हो गया, यानी 0.5 कम हो गया, यानी हमारा हो गया टोटल 75 केजी। अब नया औसत कितना हो गया 75 हो गया। अच्छा, ये चार व्यक्तियों को जोड़ लीजिए, औसत कितना निकल रहा है, एलिगेशन बहुत जबरदस्त इसमें काम करेगा। जोड़िए 4 4 6 4 10 का सुनना, कैरी वन हाथ में लग गया, एक एक हो जाएगा, एक 3 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 10 10 के 0 कैरी वन, और हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, 8 7 8 7 कितना, 7 का 7 7 2 14 27 28 29 29 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो, 4 7 28 हो जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा, 4 5 20, यानी इसका हो जाएगा 72.5। जो नया व्यक्ति आया है उसका औसत हो जाएगा 72.5, और दोनों का मिक्सअप हमको कितना दिया हुआ 75, दोनों का मिक्सअप दे दिया है 75। अब घटा दीजिए आसानी से, घटाइएगा तो इसमें से कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 75 दिया हुआ जी, 75 इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा। घटा के देखिए, अब ये डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 1:5। हम कहेंगे इसका कितना दिया हुआ 4 मान दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 1:4 का मान दिया हुआ है 4, तो 5:4 का मान कितना हो जाएगा 5 20। हम कहेंगे प्रारंभ में टोटल 20 व्यक्ति थे, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर से निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 3300 और 3630 रुपया दिया हुआ है। दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज हमको दिया हुआ है, यानी टोटल 3 वर्ष होगा, पहला वर्ष ये हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया, तीसरा वर्ष ये हो गया। अब इसका टोटल का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका टोटल क्या दिया हुआ है 3300 रुपया, इसका दिया हुआ है 3630 रुपया, इसका ब्याज तीसरे वर्ष का दिया हुआ है, ये दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष। अब इसका दिया हुआ है ब्याज हमको दिया हुआ है 3630 रुपया, इसका दिया हुआ 3300 दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है ना, हमसे यही पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि राशि कितना होगा, यानी हमारे से प्रिंसिपल पूछ रहा है, पी बराबर वाट पूछ रहा है। अब देखिए, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है, इसका फार्मूला भी नहीं होता है, सोच के हम लोग आंसर बना देंगे। अगर यहाँ पे मैंने 3000 रख दे, यहाँ पे 3000, तो यहाँ पे भी 3000 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे 3000 रख दिया तो नीचे कितना रखेंगे 300, तो ये 3300 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना रखेंगे नीचे 630 रखेंगे, तो ये हमारा हो गया 3630 रुपया, और इसका हो गया 3300 रुपया। जो ऊपर रहता है वही यहाँ पे भी लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब एक चीज़ देखिए, इस पर क्या होता है ना, इस पर ये निकाला जाता है रेशियो, तो इसका ये कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे कि आर अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ष का नीचे वाला लिखते हैं और पहले वर्ष का नीचे वाला ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाला नीचे लिखते हैं। यहाँ पे 3000 लिख देंगे, इन 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डबल सी जो डबल जीरो कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी आर बराबर हमारा कितने निकल के आ जाता है 10% निकल के आ जाता है, आर बराबर हमारा 10% हो जाता है। अब देखिए, इसका 10% निकाले तभी 300 आया, ठीक। अब यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ का 10%, यहाँ का 10%, टोटल 600 हो जाएगा, इसका 10% 30 रुपया हो जाएगा ना, पीछे से एक डेसिमल लगाइएगा तो 10% का मान निकलता है, ये 30 हो गया, यानी हमारा टोटल हो गया 630, यानी ये हमारा काम कर रहा है। अगर हमसे दर पूछता तो आर बराबर हम 10% मार देते हैं, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा,
अच्छा एक चीज देखिए, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 3000 कैसे लिखते हैं, तो प्रिंसिपल जितना रहता है उसी का दर हम निकाल लेते हैं 10%, वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3000 बराबर प्रिंसिपल गुणे 10%, प्रिंसिपल पर 10%, 10/100 कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 3×4 0 हो जाएगा, यानी 30,000 रुपया हो जाएगा। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल इसका कितना हो जाएगा, 3000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा कि 2:7 और 4:5, 2:7 और 4:5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर दिया हुआ है, ये भी एसिड है ये भी वाटर है, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि कह रहा कि एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के दोनों दो घोलों क्रम से 2:5 के अनुपात में मिश्रण कर दिया जाए। कह रहा है कि ये दोनों घोल को ना 2:5 के रूप में मिश्रण कर दिया जाए। ठीक, कोई दूसरा बॉटल लीजिए, इसका 2% दो रेशियो में मिश्रण करिए, इसको 5 रेशियो में मिश्रण कर दीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एसिड और पानी का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात हमसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, ये 7×2 9 हो गया, और ये कितना हो जा रहा है, हाँ ये 5×4 9 हो जा रहा है। ठीक, अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो हमारा 1:1 आ जाएगा। ठीक, मगर यहाँ पे चाहिए क्या, 2 रेशियो, और यहाँ पे चाहिए 5 रेशियो। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 9×2 18 हो जाएगा, ये 9×5 45 हो जाता है, 9×2 18 9×5 45, 2 रेशियो 5 में आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो 2×2 4 हो जाएगा, 7×2 14 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4×5 20 हो जाएगा, और 50×25 हो जाएगा। अब ये एसिड एसिड को जोड़ दिए, इसको जोड़ दीजिए, तो ये हमारा हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा, 5×4 9 2×1 3 39 हो जाएगा, 3×8 24 हो जाएगा, 13×3 39 हो जाएगा। तो हम जो नया रेशियो मिक्सअप करने के बाद जो नया रेशियो बनेगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 8:13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे इतना का मान पूछ रहा है, इतना बराबर वाट पूछ रहा है, इसको सिम्प्लीफिकेशन बोला जाता है, सरलीकरण। इसको कैसे बनाया जाता है, वी बोर्ड मास पे बनाया जाता है। वी बोर्ड मास क्या होता है, वी बोर्ड मास, वी का मतलब क्या होता है, वेनु कूलम, वी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट हो जाएगा, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब क्या होता है, ऐड, और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले हम लोग वेनुकुलम का काम करेंगे, यानी रेखा कोष्ठ का काम करेंगे, फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का काम करेंगे, और फिर मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, फिर ऐड का काम करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। अब देखिए पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है तो इसको 8/100 लिख सकते हैं, डेसिमल हटाने के बाद ये डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड से पहले का काम होता है, डिवाइड से पहले का काम दिया हुआ है, यानी 1.2/10 कर देंगे, और यहाँ पे का, तो का लिख दीजिए, का से पहले क्या है, ब्रैकेट, का से पहले ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए। तो इसमें से देखिए घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, 8×14 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8.8 आ जाएगा। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिख दीजिए, 0.8 को यहाँ पे 10 लिख दीजिए, है कि नहीं, आए समझ में। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, यानी इसको भी हटा के 10 करिएगा, और फिर का दिया हुआ है, यानी 3/2 × 10 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये चीज़ अलग हो जाएगा, इसको एक अलग के साथ करना होगा, क्योंकि इसमें का लगा हुआ है, तो पहले इसका काम होगा, फिर इसका काम होगा, और फिर इसके बाद इसका काम होगा, तब इसका काम हो जाएगा, और फिर यहाँ का मतलब 9/16 दिया हुआ है। अब देखिए 8/100 लिखिए, अब दोनों का गुणा करिएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 12/96 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड का क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लिख देते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 100/ कितना हो जाएगा, 12×8 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा का गुणा छोड़ दीजिए, इसको क्या करिए, 8×2 हो जाएगा 32/ कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा, देखिए 4×2 8 हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्योंकि ये कट जाएगा तब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और कितना बच जाएगा, ये 4×2 8 हो जाएगा, 8×4 32 हो जाएगा, 8×4 32 हो जाएगा, 4×8 32 हो जाएगा, या 25×4 100 हो जाएगा, यानी 8×16 यहाँ पे कितना बच जाएगा, 16
कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, 10-10 सही तो है। और तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 9/16 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, 8 दुना के 16 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 25 से 75, 3 × 25 इंटू 9/16 हो जाएगा। अब ये 16 से 16 कट जाएगा, ये 3 से 3 तितली के 9 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 3/ हमारा आ जाएगा 3/25 हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए ना कि डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 25 × 50 हमका 0.1512 हो जाएगा। अब इसमें क्या करा ना कि किसके किसके बीच में स्थित है, तो हमको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 1.1.1 से 0.13, तो इसी के बीच में है 12, इसी के बीच में हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इतना 0.13 इसी के बीच में आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 64 में ना, यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिख रहा हो, इसमें कह रहा है ना परास ज्ञात करें, परास का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। तो रेंज रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा होता है। अब इसमें से देख लीजिए कौन बड़ा है, तो बड़ा हमने देखा तो इसमें बड़ा हमको दिख रहा है 5, और छोटा इसमें से कौन सा दिख रहा है, छोटा 1 दिख रहा है, तो 1 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि से 6% सालाना ब्याज की दर से साधारण ब्याज 5/1/2 वर्ष में 2541 रुपया है, यानी हमको ब्याज कितना दिया हुआ, ब्याज हमको दे दिया 2541 रुपया दिया हुआ है, और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पी आर आर की जगह पर हमको कितना दिया हुआ 6%, तो 6% लिख देंगे, और समय हमको कितना दिया हुआ 5/1/2, यानी 5 × 10 = 11, समय दे रहा है 5/1/2, 5 × 10 = 11, 11/2 लिख सकते हैं, तो इसको 11 लिख देंगे और नीचे 2 हो जाएगा, और क्वेश्चन में 100 लिखा जाता है तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको 11 से काट दीजिए, 11 × 22, 11 × 33, 11 × 11 हो जाएगा। अब ये कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7700 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब आगे हमसे कह रहा है कि वही राशि 5/3/2/3 वर्षों में सालाना ब्याज से 8/1/7% की ब्याज से दर से कितना रुपया होगी, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, कितना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन हमसे पूछ रहा है, ए बराबर हमसे पूछ रहा है। अच्छा, हमको पी निकल गया, अगर एसआई निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, तो एसआई बराबर हो जाएगा पी, पी की जगह पर रखेंगे 7700 रुपया, और हमको कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 8/1/7, 8 दिया हुआ है 1/7, 7/56 157, 57/7 लिखेंगे दर, हम लिखेंगे 57 अपॉन कितना लिख देंगे 7, और समय हमको कितना दिया हुआ 5/2/3, 5/2/3 दिया हुआ, 5 × 15, 15 × 2 = 17, 17/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17/3 लिखेंगे, और नीचे × 100 कर देंगे, ऐसा समझ में। अब हमसे पूछ रहा है, अब देखिए अब निकाल लीजिए आराम से, ये कितना हो जाएगा 00 से ये 00 कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 3 से कितना दिन में कटे, 3 × 3 = 27 हो जाएगा। अब टोटल को मल्टीप्लाई कर लिए, 11 × 19 × 13, ये टोटल को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल इसमें जोड़ दीजिएगा 7700 रुपया इसमें जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, घर पे कर लीजिएगा। छाछठ हमको क्या दे रहा है, हमको छाछठ दिया हुआ है 41117 रुपया, ये हमको राशि दे रहा है पी बराबर, कारण है कि ए बी सी डी के इस प्रकार विभाजित किया है, 4 व्यक्ति है, इसको 4 व्यक्तियों के रूप में विभाजित किया जाता है। अब हमसे कह रहा है कि ए बी का हिस्सा का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ए बी का हिस्सा का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। फिर आगे क्या करें, बी और सी के हिस्सा का अनुपात 2:1 दिया हुआ है, बी और सी का हिस्सा का अनुपात 2:1 दिया हुआ है। फिर और क्या कह रहा है, सी और डी का हिस्सा का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, सी और डी का हिस्सा का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, ऐसा समझ में। तो हमसे पूछ रहा है ना कि बी का हिस्सा ज्ञात करें, हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या करेंगे, 3:4 लिखेंगे यहाँ पे, और बी अनुपात सी का मान कितना हुआ 2:1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना होगा सी अनुपात डी, यानी 3:1 यहाँ पे 4 लिखेंगे, सॉरी 3:5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है वही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 स्थान खाली है तो 4 दिया हुआ तो 4 कर देंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे 1 स्थान खाली है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे।
अब सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर देख रहे हैं इसमें कॉमन कहीं दिख रहा है, देखिए ये दो कॉमन दिख रहा है सब में, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो दो काट दीजिए, दो 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 दुना के चार हो जाएगा, दो दुना के चार हो जाएगा। अब देखिए तितली का नौ हो जाएगा, ये तीन चौके बारह हो जाएगा, ये तीन दुना के छः हो जाएगा, और ये पाँच दुना के दस हो जाएगा। इतना हमारा रेशियो बन के निकल के आ गया। हम कहे ए का रेशियो नौ हो जाएगा, बी का रेशियो बारह हो जाएगा, सी का रेशियो छः हो जाएगा, डी का रेशियो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा। अब रेशियो में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बारह छः अठारह, अठारह आठ कितना हो जाएगा, अठारह सत्ताईस, सत्ताईस दस सैंतीस। तो हम कहें रेशियो में हमारा हो गया सैंतीस, और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ, इकतालीस हजार एक सौ सात रुपया। हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, यानी बी का हिस्सा यानी बारह रेशियो बराबर पूछ रहा है, तो बारह रेशियो बराबर कितना हो जाएगा यही हमसे पूछ रहा है। तो क्या करिए, सैंतीस इंटू बारह कर दिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर पकड़ लिया। एक काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को छत्तीस दिन में पूरा करते हैं, ए और बी और सी क्या कर रहे हैं, छत्तीस दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि ए ए बी और सी की क्षमता दिया हुआ है, ए और बी और सी का क्षमता हमको दिया हुआ है पाँच अनुपात छः अनुपात नौ में हमको क्या किया हुआ, क्षमता दिया हुआ है। तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा यही हमसे पूछ रहा है। ये हमको इफिशियंसी का दे दिया है, क्षमता, क्षमता का अनुपात दे दिया है। ठीक, अब देखिए क्षमता का अनुपात दे दिया है, तो ये एक दिन में पाँच काम करेगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा, छः काम करेगा, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, नौ काम करेगा। ठीक, तो ये तीनों मिल के काम किया है छत्तीस दिन में, है कि नहीं, तीनों मिलके 36 दिन में काम किए हैं। तो यानी इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 9 6 15 15 5 20। हम कहेंगे कि 36 इंटू 20 टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल कार्य क्या हो जाएगा, क्षमता से अगर टोटल समय से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तीनों मिलके 36 दिन में काम किए हैं। ठीक, तो टोटल हमारा काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में पाँच कर रहा है, ये छः कर रहा है, ये नौ कर रहा है, तो छः पाँच छः नौ, नौ छः पंद्रह, पंद्रह पाँच बीस, एक दिन में ये बीस काम करेंगे, तो छत्तीस दिन में तीनों मिलकर क्या काम करेंगे, छत्तीस गुणे बीस, इतना टोटल वर्क हो जाएगा। अब पूछ रहा है ना कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, ये हमसे पूछ रहा है ना जी, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। यानी छः, तो छः से डिवाइड करें, छः छः छत्तीस हो जाएगा, छः दुना के बारह, 120 दिन में बी पूरा क्या करेगा, काम कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर अड़सठ देखिए, अड़सठ क्या कह रहा है ना कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है पाँच अनुपात छः, पाँच अनुपात छः दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है ना कि प्रत्येक संख्या में 16 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना कह रहा है, 16 घटा दिया जाए, तो दो संख्या तीन अनुपात चार के अनुपात में हो जाती है। तो संख्या क्या होता है, तीन अनुपात चार के रूप में हो जाती है। ठीक, अब देखिए रेशियो में कितना का घट रहा है, दो का, यहाँ पे भी दो का रेशियो घट रहा है, और क्वेश्चन में कितना घटाया गया, 16 घटाया गया। तो हम कहेंगे दो बराबर कितना, 16, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर आठ। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, आठ पचास 40 हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, आठ छः का 48। हम कहेंगे दूसरी संख्या 48 होगा, पहली संख्या 40 हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या करें, हमसे कह रहे ना कि यदि आठ को पहली संख्या में जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में आठ जोड़िए, तो 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर आगे हमसे क्या करें, तथा दूसरी संख्या में तीन घटा दिया जाए, दूसरी संख्या में तीन घटा दिया जाए, तो 48 में तीन घटा जाए तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, देखिए तीन से घटा, तीन एकम तीन से घटा 18, तीन एकम तीन, तीन पाँच पंद्रह, हम कहें 16:15 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि दो पाइप ए और बी 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। ए और बी दिया हुआ है 12 मिनट में, ये 15 मिनट में भर देता है। फिर और कह रहा है कि जबकि एक आउटलेट, यानी आउटलेट का मतलब जो बाहर पानी निकालता है उसको कह रहा है, सी भी खोल आ जाता है, तो तीनों मिलकर एक पाइप, तीनों वो पाइप एक साथ एक टैंक को 10 मिनट में भर देते हैं। और जब तीनों खोला जाता है, ए बी और सी को माइनस में लिखिए, तो ये 10 मिनट में भर देता है, क्योंकि ए और बी भरने वाले हैं और सी क्या कह रहा है, निकालने वाला, ये खाली करने वाला, इसके वजह से यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखिए जब भी हमको टाइम एंड वर्क आ जाए या पाइप एंड सिस्टेंस आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं तीनों का, तीनों का एलसीएम निकलेगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, 15 4 60 हो जाएगा, और 10 6 60 हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब एक चीज देखिए, ये दोनों मिलकर 5 4 9 9 9 पानी भर रहे हैं, ठीक, और इसमें जा रहा है 6 ही पानी जा रहा है, यानी तीन पानी क्या कर रहा है, सी जो है ना निकाल दे रहा है, तभी तो तीन पानी कम जा रहा है, ऐसा समझ में। तो
तो क्या कर रहा है ना कि आउटलेट सी अकेले कितने मिनट में पूरी टंकी को भरा हुआ खाली कर देगा। अब 60 लीटर का गैलन भरा हुआ और एक मिनट में क्या कर रहा है, एक चांस में, एक दिन में, एक मिनट में 3 लीटर पानी गिरा रहा है। तो 3 से डिवाइड कर देगा, 3 × 2 = 6। हम 20 मिनट में पूरा गैलन क्या करेगा, ये खाली कर देगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है कि 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ। अब कैसे कोई धारा इधर इधर का बह रहा है, अब कोई नाव लगा हुआ है, ये नाव क्या कर रही है, बह रही है। अगर धारा इधर जा रहा है और नाव भी इधर जा रही है, यानी ये अनुप्रवाह हो जाएगा, यानी धारा के दिशा में हो जाएगा। तो कह रहे 36 किलोमीटर धारा के दिशा में, 36 किलोमीटर धारा के दिशा में बी प्लस यू हो जाएगा। फिर आगे हमसे क्या कह रहा है, 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 16 किलोमीटर क्या कह रहा है, प्रति प्रवाह, यानी धारा हमारा क्या हो रहा है, इधर का जा रहा है, धारा इधर का जा रहा है, नाव इधर की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि चाल हमारा घट जाएगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल घट जाएगा, जब दोनों का सेम डायरेक्शन रहेगा तो चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ पे चाल जुड़ गया। कर तय करने में 10 घंटे समय लेती हैं, ये जाने और आने में क्या कर रही है, 10 घंटा टोटल समय ले रही है। अब आगे दिया हुआ है, आगे क्या करें, 3 किलोमीटर अनुप्रवाह, यानी 3 अपॉन क्या हो जाएगा, बी प्लस यू, 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह, यानी बी माइनस यू, 48 मिनट समय लगता है, 48 मिनट समय लगता है। अब ये मिनट में दिया हुआ, ये घंटा में जो, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा। अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की चाल ज्ञात करें, यानी बी माइनस यू का हमसे मान पूछ रहा है। अब देखिए आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, क्या करेंगे, अगर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 36 हमारा हो जाएगा, काम बन जाएगा, और ये दोनों घटा देंगे तो ये वाला कट जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16/b - u, और इसको माइनस करिए तो ये क्या रहेंगे, 12 × 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, 14.4 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, b - u हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 14/12 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा, यानी 48/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करिए ना, इसको करिए तो ये तो सेम है तो घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 4×1 = 5, 1 हो जाएगा, 1/b - u हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/5 बच जाएगा, और ये देखिए 2×8 = 16 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा, यानी b - u बराबर 8×5 = 40, यानी 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 4.0 किलोमीटर पर आवर इसका चाल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सुमन ने एक वस्तु को चिन्हित मूल पर 16% की छूट देकर 822.82 रुपये में बेचती है। अब कोई चिन्हित मूल है यानी MP है, इस पर क्या करें, 16% की छूट दे रही, यानी बेची होगी 84 रुपये में, SP कितना हो जाएगा, 84% हो जाएगा। कह रहा छूट देकर इसे 882 रुपया में बेच रही है, यानी 84% बराबर कितना हो जाएगा, 882 रुपया। कह रहा अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, अगर कोई छूट नहीं दी, अगर 100% में बेच देती तो उसे वस्तु का क्रय मूल पर 20% का लाभ होता है। अगर ये 100% पे बेच देती तो क्रय मूल पर क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल ज्ञात करें, क्रय मूल ज्ञात करें। तो पहले अगर हम 100 रुपये में 100% में बेचते तो कितना हमको प्रॉफिट होता है, कितना रुपया आएगा, तो हम कहेंगे 84% बराबर कितना हो जाएगा, 882, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 882/84 × 100 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, 4×1 = 4 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा, और देखिए ये कितना हो जाएगा, 21×4 = 84 हो जाएगा, 21×2 = 42 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते 25×2 = 50, और 5×25 = 100, 100 × 105 हो जाएगा। हम देखिए इसका 100% पे बेचेगा तो इतना हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कह रहे हैं जब इतना 100% पे बेचेगा ना तो CP पे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम देंगे 1050 बराबर क्या हो जाएगा, CP पर 20% यानी 120/100 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। अब देखिए 20×6 = 120 हो जाएगा, 20×5 = 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो ये कट जाएगा क्या, हाँ, 3×2 = 6 हो जाएगा, 3×3 = 9 हो जाएगा, 3×5 = 15, ये 0 हो जाएगा। ये 2 से काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, 2×1 = 2, 7×2 = 14, 5×1 = 15 हो जाएगा। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 50×25 = 5, 5×7 = 35, 2×37 = 7, हाथ में लग गया 3, 5×3 = 8। हम कहेंगे उसका CP कितना हो जाएगा, 875 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 72 कह रहा है कि जब संख्या x का 32%, x का क्या कह रहा है, 32% 32/100 हो जाएगा।
दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या y में क्या कर रहा है, जोड़ा जाता है। फिर आगे कर रहा है तो y का 24% बढ़ जाता है, तो y का जो है ना 24% यानी 124/100 हो जाएगा। जब भी बढ़ने के लिए कहे या घटने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं 100 में जोड़ देते हैं, 100 में घटा देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये करिएगा तो कितना हो जाएगा 32x प्लस 100y अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा 124y अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम कहें 32x बराबर कितना हो जाएगा 24y, 8×4=32, 8×3=24 हो जाएगा। तो x का मान 3 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 2x प्लस वाई अपॉन पूछ रहा है 3x माइनस वाई बराबर हमसे वाट पूछ रहा है। तो देखिए x का मान कितना है 3 है, तो हम कहेंगे 2×3 अब प्लस कितना हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3×3 अब माइनस y का मान 4 हो जाएगा, तो 3×6=6, 6×4=10, 10 अपॉन 3×3=9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5×10 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना बराबर वाट हमसे पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वी बोर्ड मास पे बनाएंगे, वी बोर्ड मास के रूल पे हम लोग क्या करेंगे, इसी का रूल पे हम लोग बनाएंगे। अब देखिए इसको करिए, 3×3=3, 3×2=5, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक। प्लस पहले क्या करिए, इसको हटा लिए, 16×32=33, 33/2 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 10×11=11/10 हो जाएगा, छोटा में रखे 3×9=9×10, 10/3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मझिला ब्रैकेट इनको बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, का हो जाएगा 2×2=4, 1×5 5/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड ये पहले एक साथ होगा फिर इसके बाद ये डिवाइडेड हो जाएगा, 3/5 और गुड़े 4×5=20 और 20×4=24 यानी 24/5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5×15=15, 5×15=15, 15×5 कितना हो जाएगा 25, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 25/3 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 5×10 हो जाएगा, 5×5=25 हो जाएगा, तो 11×5=55, 55/6 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल का मान कितना हो जाएगा 55/6 हो जाएगा, आए समझ में। तो ये देखिए यहाँ 5/3 हो जाएगा प्लस 33/2 - 55/6 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए ये 5/4 × 8 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखते हैं, इसको प्लट लिखते हैं, 5/3 लिख देंगे, 24/5 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट नहीं रहा, तो अभी देखिए ये 5 से 5 कटा दिया, 3×8=24 कटा दिए, ये 8 से 8 ये कट गया, तो नीचे क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसको कहते हैं सरलीकरण सिम्प्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो वी बोर्ड मास के हिसाब से बनाएंगे, ठीक। वी का मतलब क्या हो जाएगा, वेनुकुलम, वेनुकुलम मतलब रेखा कोष्ठ हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हो जाएगा, ऑफ मतलब का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे करके बनाया जाता है। तो देखिए 3×3=5, 5/3 हो जाएगा प्लस 16×32=33, ये हो जाएगा 33/2 हो जाएगा, माइनस 10×11=11/10 हो जाएगा। अब देखिए 3×3=9, 9×9=10, तो ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, अब प्लस 5×5=15, 15×10=25, 25/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इतना का मान लिख सकते हैं 25/3, तो इंटू कहेंगे 25/3 लिख सकते हैं। ये नीचे देखिए 1/4 हो जाएगा, और का मतलब गुणा, 2×4=5, 5/2 लिख सकते हैं, इसका हो गया। अब इसका इतना हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 3/
पाँच इंटू चार, चार पाँच बीस, चार चौबीस, चौबीस बटा पाँच हो जाएगा। अब देखिए ये पाँच दुना का दस हो जाएगा, पचास पच्चीस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ग्यारह पचास पचपन, पचपन बटा छः हो जाएगा, तो पाँच बटा तीन हो जाएगा और प्लस तैंतीस बटा दो माइनस पचपन अपॉन छः। और इसका मान कितना हो जाएगा, तो पाँच बटा आठ इंटू इंटू डिवाइड की जगह पे हटा के हम लोग क्या करते हैं इंटू का चिन्ह लिखते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं, तो पाँच बटा तीन हो जाएगा और इंटू ये चिन्ह चौबीस बटा पाँच लिखा हुआ है, तो ये पाँच से पाँच कट गया, तीन बटा चौबीस, तीन बटा चौबीस ये कैंसिल हो गया, नीचे फाइव हो गया। अब इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, दो तो छः हो जाएगा, तो तीन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाँच बटा तीन और प्लस ये कितना हो जाएगा निन्यानवे, निन्यानवे माइनस पचपन अपॉन कितना हो जाएगा छः। तब देखिए इसका एलसीएम अपॉन फाइव हो जाएगा। अब इसका क्या करें ना, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा पाँच गुना के दस, दस प्लस ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा चौवालीस हो जाएगा, ये चौवालीस अपॉन छः अपॉन कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा, चौवालीस दस चौवन, चौवन बटा छः अपॉन फाइव हो जाएगा, छः नवा चौवन ये हो गया, छः नवा चौवन हो गया ठीक। अब इसको क्या करिए, तो नौ बटा फाइव हो गया, नौ बटा फाइव को क्या लिख सकते हैं, पाँच पाँच के पाँच हो जाएगा, पाँच चार नौ, चार बटा पाँच, हमें एक सही पाँच चार बटा पाँच यही हमारा आंसर आ जाएगा। पचहत्तर देखिए, कह रहा कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का आयतन हमसे पूछ रहा है। अब कोई बेलन है, ऐसा बेलन बनाया हुआ है, ये बेलन बनाया हुआ है, इसका ऊंचाई हमको दे दिया h बराबर दे दिया 28 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूरा एरिया वक्र पृष्ठ का एरिया, तो सिलेंडर ऑफ सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, तो 2 पाई आर h होता है, h बराबर कितना हमको दिया हो 176, तो 2 22 बटा 7 इंटू आर इंटू एच की जगह पे 28 हो जाएगा बराबर 176। अब देखिए सच्चौ 28 हो जाएगा, चौचौ के 16, चौचौ के 16 हो जाएगा, तो 22 दुना के 44 खत्म हो जाएगा, आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, हमसे आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो पाई का मान 22 बटा 7 हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना हुआ 28 दिया हुआ है, तो सच्चौ 28 हो जाएगा, चार दुना के आठ, चार दुना के आठ, हम कहेंगे 88 सेंटीमीटर क्यों इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। टोटल मैंने 75 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, आप लोग सेट लगाइए और एसएससी जीडी का मस्त तैयारी करिए, चलते ओके जय हिंद।